दोस्तों, वैसे तो अमेरिका ने कई जंग लड़ी और कई जीती है, लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गई थी। न निगलते बन रहा था, न उगलते बन रहा था। ऐसा ही एक युद्ध वियतनाम का युद्ध है, जहां अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोना पड़ा। आइए इस युद्ध के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, बात करें वियतनाम युद्ध की जड़ की, तो वियतनाम पर 19वीं सदी में फ्रांस का कब्जा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना था। एक तरफ उसे जापान की फौज से लड़ना था, तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था। दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो चो मिन ने वियत मिन या वियतनाम की आजादी के लिए लीग की स्थापना की। हो चो मिन वियतनाम के राजनेता थे, जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफी प्रभावित थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान की सेना वियतनाम से निकल गई। जापान से निकलने से वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया, जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और उन्हें फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, यानी वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन था। हो को को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उनके वियत मिन सेना ने होनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम करार दिया। हो चो मिन को उसका राष्ट्रपति बनाया गया। फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए मुहिम छेड़ा। जुलाई 1949 में उन्होंने वियतनाम राज्य का गठन किया, साइगोन को उसकी राजधानी बनाई। दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच मतभेद था। वो और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को अन्य कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पे विकसित किया जाए। वहीं बाओ और अन्य लोगों की चाहत थी कि वियतनाम पश्चिमी देशों के मॉडल अपनाए। वियतनाम युद्ध की शुरुआत की बात करें, तो वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हो गई। हो की साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग के नेताओं के बीच युद्ध शुरू हो गई। मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ, उसमें वियत मिन सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ वियतनाम में फ्रांस का औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। जुलाई 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। हो के कब्जे में उत्तरी वियतनाम रहा, जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम रहा। संधि में प्रावधान था कि देश का फिर से एकीकरण के लिए 1956 में चुनाव होगा। 1955 में नौ दिन डीएम नाम के राजनीतिक ने सम्राट बाओ का तख्ता पलटकर वह वियतनाम गणराज्य की सरकार के राष्ट्रपति बन गए। इस बीच दुनिया भर में शीत युद्ध जोर से पकड़ने लगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफी सख्त बना दिया। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनबर्ग ने डीएम और दक्षिण वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। दक्षिण वियतनाम की सरकार को अमेरिकी सेना और सीआईए ने हथियार मुहैया कराए। दक्षिण वियतनाम की सेना को भी प्रशिक्षण दिया गया। अमेरिका ने वहां अपनी सैनिक भेज दिए। इसके बाद डीएम की सेना ने दक्षिण वियतनाम में वियत मिन के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू किया। करीब 100,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कई को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और प्रताड़ना दी गई। अगस्त 1964 में अमेरिका के दो जहाज पर टोंकनी की खाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी करने का आदेश दिया। अगले साल अमेरिकी जहाज ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा। वियतनाम में अमेरिकी की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने बम गिराए गए थे, उससे 4 गुना ज्यादा वियतनाम में गिराए। जिनेवा संधि के समय अमेरिका ने वियतनाम में 1956 में चुनाव का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे मुकर गया, जिससे जॉनसन की विश्वसनीयता घटी। उधर चीन और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम की मदद नाटकीय तौर पर बढ़ा दी। वियतनाम के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे, वे देश के लिए मरने और मारने को तैयार थे। वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के नागरिक भी अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मारने लगे। साल 1968 तक अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब दे चुका था, वे जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में जुट गए। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन 1972 तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फिर अमेरिका ने मई और जून 1972 में उत्तरी वियतनाम में खूब बमबारी की। उत्तरी वियतनाम की ओर से बराबर बदले की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भले ही खूब बमबारी की, लेकिन जमीनी स्तर के सैनिकों का
हौसला टूट चुका था। सैनिकों के मारे जाने से अमेरिका पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव था। आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 1976 में डीआरवी ने वियतनाम का एकीकरण किया और उसका नाम समाजवादी गणराज्य वियतनाम हो गया। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख लोगों को मारे जाने और 30 लाख के करीब लोगों को घायल होने का अनुमान है। 1,20,00,000 लोगों ने दूसरे देशों में शरण ले लिया। अमेरिका को अरबों डॉलर पैसा खर्च करना पड़ा और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और वियतनाम की युद्ध, जो हम सबको बहुत कुछ सीख देती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।